गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, फिर मैं आपका दोस्त आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये है, बात करेंगे हम लोग सीएलसी राउंड के बारे में। तो सीएलसी राउंड जो है कॉलेज के स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको एडमिशन करना होगा ऑनलाइन। ठीक है गाइस, पहले क्या होता था, सीएलसी राउंड में आपको कॉलेज जाना पड़ता था और फिर वहाँ पर फॉर्म डाल के आपका सीएलसी राउंड में मेरिट लिस्ट में नाम आता था, तो उसके बाद आपका एडमिशन होता था। बट इस बार ऐसा नहीं है, आपको सीएलसी राउंड ही जो है ऑनलाइन ही जो है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरीफिकेशन जो नए कैंडिडेट उनको करना पड़ेगा, बाकियों को नहीं करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद ही जो आपको एडमिशन करना होगा। जिसमें जो आपका सीएलसी राउंड है अभी सिर्फ गाइज यूजी वाले कैंडिडेट का आया है। किसका? यूजी। ठीक है गाइज, जिसमें बीएससी आएगा, बी आएगा, बीकॉम, बीए, एलएलबी, जो भी कोर्सेस होते हैं गाइज यूजी के अंतर्गत। ठीक है गाइज, पीजी की बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी बात कर रहे हैं हम यूजी की। तो यूजी वाले जितने कैंडिडेट हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन सब कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, जो आप जो वेरिफिकेशन करेंगे तो। ठीक है गाइस, इसी ऑनलाइन से ही आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा उसकी ऑफिशियल साइट, जिसकी ऑफिशियल साइट है गाइस eprawesh.com। ठीक है गाइस, eprawesh.com की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहा होगा आपको साफ साफ, यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो ट्वेल्थ के बाद जितने कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीए है, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ईटीसी कोर्सेज होते हैं, तो जो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक इंटरफेस ऑन होगा, जिसमें से ये चेकबॉक्स दिख रहा है गाइज, आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ई प्रवेश का, डायरेक्ट आप लोग जो है इसका जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए गाइज, न्यू कैंडिडेट जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एक बार उन्हें पुनः अवसर दिया गया है। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट, मतलब सीएलसी राउंड का डबल से जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि स्टार्ट होगा 10 से, मतलब स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 16 सितंबर। ठीक है गाइज, कितनी, 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो है उसके बाद आपको करना पड़ेगा, उस फॉर्म को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जो है चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन उसका जो है प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप लोग उसका क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, यही भी जो है 16 सितंबर तक होगा। उसके दिन 4 दिन बाद, मतलब 20 सितंबर को जो है आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया था। और आपको एडिट भी करना होगा तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और चॉइस फिलिंग भी आपको एडिट हो जाएगी, दोनों जो है एडिट हो जाएंगे। तो यह थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ गाइस, जो कॉलेज से रिलेटेड थी। देख लीजिएगा आप लोग, ये सेशन है और समय सारणी यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। तो यह इस तरीके से था आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन, यही से तीनों चीज़ एक ही में हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइज। जैसे ही कॉलेज में नाम आएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन ही पेमेंट आपका करना है। कॉलेज का जितना फीस होगा, मे बी 2600 रहता है कॉलेज की, यूजी वाले कैंडिडेट के लिए तो आपको 1300 अमाउंट पे करना पड़ेगा डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू ही। तो गाइज, वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से विद्यार्थी को पता नहीं है कि यह सेकेंड राउंड भी इसका स्टार्ट हो चुका है सीएलसी राउंड के थ्रू। तो जो है इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट और अपना प्यार समाधान स्टडी पर बनाए रखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो कॉलेज से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे आपके एमपी बोर्ड से रिलेटेड, संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के अंतर्गत लाते रहता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।